दोस्तों, कोर्ट ने एक केस में केवल 13 दिन में अपना फैसला सुनाया और आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कोर्ट जब भी किसी केस में अपना फैसला सुनाती है तो उससे पहले कानून में जो प्रोसीजर बताया गया है उसको फॉलो करना आवश्यक होता है और उसके बाद में ही कोर्ट फाइनली अपना जजमेंट देती है। और इसीलिए ही किसी भी केस में मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स या फिर इससे अधिक का समय लग जाता है। दोस्तों, कोर्ट ये प्रोसीजर इसलिए फॉलो करती है ताकि किसी भी निर्दोष पर्सन को सजा नहीं हो, क्योंकि आरोप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो साबित नहीं हो तो ऐसे में फिर उस पर्सन को सजा नहीं दी जाती है कोर्ट के द्वारा। और इसीलिए ही जिस पर्सन के अगेंस्ट में आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो पर्सन अपने आप को निर्दोष साबित कर सके कोर्ट में। दोस्तों, कोर्ट की कोशिश यही रहती है कि किसी भी केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, लेकिन कानून में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट को चलना होता है। कानून में बताए गए प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं कर सकती है कोर्ट, क्योंकि जस्टिस मीन्स न्याय मिलना हर पर्सन का अधिकार होता है। दोस्तों, इस केस में एक पर्सन के अगेंस्ट में हत्या और बलात्कार का आरोप लगा। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और यह केस कोर्ट में आया तो दोस्तों, कोर्ट ने इस केस को केवल 13 दिन में ही ख़त्म करके अपना फैसला सुना दिया और फैसले में आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद में अक्यूज पर्सन ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील फाइल की। और हाई कोर्ट ने भी यही माना कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो अक्यूज पर्सन को आरोपी मानते हुए इसमें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है वो बिल्कुल सही है। जिसके बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज्ड के एडवोकेट ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट में अक्यूज्ड के एडवोकेट को फाइल को पढ़ने के लिए और जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे थे उनको रीड करने के लिए समय ही नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन ट्रायल कोर्ट में चार्ज लगाया गया था उसी दिन ही अक्यूज्ड पर्सन ने अपना एडवोकेट अपॉइंट किया था। तो ऐसे में एडवोकेट के पास में फाइल को रीड करने का समय ही नहीं मिला और इसके बाद में ना ही अक्यूज्ड के एडवोकेट अक्यूज्ड से बातचीत कर सके और केवल 13 दिन में ही ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट में केवल 13 दिन में ये प्रोसीडिंग कंप्लीट की गई, इसलिए अक्यूज्ड के एडवोकेट को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट को रीड करने का समय ही नहीं मिला। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सही बात है कि किसी भी केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होनी चाहिए कोर्ट की, लेकिन किसी भी पर्सन के अधिकारों का हनन करके मीन्स किसी भी निर्दोष पर्सन को सजा नहीं हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कोर्ट को। और इसीलिए ही जो प्रोसीजर दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए और उसके बाद में ही कोर्ट को अपना जजमेंट देना चाहिए। कोर्ट को किसी भी केस को ख़त्म करने के लिए या फिर अपना जजमेंट जल्दी देने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। दोस्तों, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट हमेशा यही कोशिश करती है कि किसी भी निर्दोष पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे कोई दोषी पर्सन ही उसमें बरी क्यों ना हो जाए। दोस्तों, हमारे देश की कोर्ट्स में काफ़ी केसेस पेंडिंग हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से ही पेंडिंग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट कानून में बताए गए प्रोसीजर को फॉलो नहीं करे और किसी निर्दोष पर्सन के अगेंस्ट में अपना जजमेंट दे दे। इसीलिए ही कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूँ। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो या फिर क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।